Hello all, wishing you all a very happy World Physiotherapy Day. So today we are spreading awareness about osteoarthritis as this is the theme this year. और आजकल सबसे ज़्यादा लोग osteoarthritis से सफ़र कर रहे हैं. अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 520 million people are suffering from osteoarthritis. और जिसमें से 60% केसेस तो नी osteoarthritis के हैं. तो let's see हमारे physios और doctors के बारे में क्या कहना चाहते हैं. है जिसके बारे में हम सब ने सुना होगा. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि मैडम हमें ब्रेस दे दो, डॉक्टर साहब हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, कोई ऐसी मैजिक की दवाई दे दो जिसको खाते ही सारा दर्द एकदम गायब हो जाए. पर हमें ऐसा नहीं करना है. ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया का बेस्ट इलाज या तो एक्सरसाइज है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? सो बेसिकली इट इज अ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज एंड इट अकर्स एज पीपल एजेस. एंड बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस इज इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी टू द बोन and cartilage tendons, so that result in pain, swelling and stiffness of the joint. जो osteoarthritis होता है वो हमारे weight bearing joints में ज़्यादा होता है. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल कूल्हे का दर्द और घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एक एज ग्रुप के बाद. जैसे कि हम देखें इन दिस वर्ल्ड देर इज 291 डिसेबिलिटीज जिसमें से हमारा कूल्हे का दर्द और घुटने का जो दर्द है उसको 11वें नंबर पे देखा जा रहा है. ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम किस तरह हो सकती है? एज, जॉइंट इंजरी, ओबेसिटी, जॉइंट ओवरयूज एंड फैमिली हिस्ट्री. जिसके सिम्टम्स हैं स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ बहुत इफेक्ट होती है और वो अपना डेली का काम भी नहीं कर पाते हैं. एंड समय रहते अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इन फ्यूचर जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है. हेलो एवरीवन, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो आपको सुबह उठकर अगर जॉइंट में पेन होता है या फिर स्टिफनेस फील होती है, आप चल नहीं पाते हैं ठीक से, स्वेलिंग होती है आपके नीज के अराउंड, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. जबकि आप ये चिंता कर सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में व्यायाम करने से आपके जोड़ों में कुछ नुकसान हो सकता है, अधिक दर्द बढ़ सकता है, पर एक शोध में पाया गया है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में व्यायाम कर सकते हैं और आपको व्यायाम करना चाहिए. बेसिकली इट हैपेंस इन मोस्टली इन द फीमेल रेशो. सो द एक्सरसाइजेस वी आर डूइंग, एक्सरसाइजेस वी आर डूइंग, मुलिकन ग्लाइड वी आर डूइंग, सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अल्ट्रासोनिक पर्टिकुलर पार्ट. सो ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? कुछ एक्सरसाइजेस करा सकते हैं बेसिक लाइक SLR, वॉल स्क्वाट्स, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्टैटिक एंड डायनामिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस. कुछ प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट्स दे सकते हैं लाइक Omega-3, फिश ऑयल एक्सेट्रा. पीपल विद ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन लर्न फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट हाउ टू इंक्रीज देयर रेंज ऑफ मोशन इन देयर जॉइंट्स एंड बिल्ड मसल्स. फिजियोथेरेपी ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रबंधन और दर्द के इलाज के तरीके के बारे में निर्देश और मार्गदर्शन दे सकता है. सिर्फ 1/3 ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस सफरर विल हैव ए प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट एंड पेन इंक्रीजेस ओवर टाइम व्हाइल अदर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट. आई होप आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि हमारी फिजियो काम आप लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में क्या बताना चाहती है और फिजियोथेरेपिस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में. सो विशिंग ऑल माई फिजियो फ्रेंड्स, कलीग्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे. एंड ऑफकोर्स टू देम जिनकी वजह से हम आज जो है उन्हीं की वजह से हैं, आर पेरेंट्स, फैमिली एंड टीचर्स एंड ऑफकोर्स आर फ्रेंड्स, जिन्होंने टाइम टू टाइम गाइडेंस, सपोर्ट, मोटिवेशन एंड गाइडेंस के साथ हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प किया है. हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे टू ऑल. एंड ऑफकोर्स आर पेशेंट्स हु अप्रिशिएट्स आर एफर्ट्स एंड मोटिवेट अस टू ग्रो बेटर. थैंक यू ऑल.